अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश ते आज दी पंजाबी वीडियो दे नाल मैं रज़ुद्दीन रज़ी। तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी करो ते बैल आइकन नूं भी दबा दिओ ताकि तुहानूं साडियां अगलियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने ओह भी मिलदियां रहिण। मैं वीडियो तुहानूं कराची तों इह वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा। मैं कराची आया सी पिछले हफ्ते और इस दौरान कराची च सिंध लिटरेरी फैसटिवल भी होया और सिंध लिटरेरी फैसटिवल जेड़ी एक बदमजगी हुई वह सी कि सिंध लिटरेरी फैसटिवल बलोचिस्तान के हवाले नाल भी एक सैशन मौजूद सी और बलोचिस्तान तो आए हुए दानिश्वर शाह मुहम्मद मरी और दूजे जो दानिश्वर सन आबिद मीर भी सन, ये सारे लोग शिरकत वास्ते आए सन। बहुत सारे बलोच नौजवान भी मौजूद सन और ये लिटरेरी फैसटिवल जिहड़ा सी ये कराची आर्ट्स कौंसल दे ताबुन नाल हो रहा सी और उहदे बाद ये होया कि हुक्म ये आया फैसटिवल दे दौरान ही ये अहकामात मौसूल होए कि इस फैसटिवल नूं रोक दिता जाए। अहकामात किहदे वल्लों मौसूल होए इहदे बारे च कोई गल नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग ये चाहते सन कि सिंध च बलोच आवाम जिहड़े ने उन्हां दे नाल इकमुट होण दी गल ना होवे और जिहड़े दानिश्वर उत्थे आए हुए सन वह भी चाहते सन कि कोई बदमजगी ना होवे क्योंकि नौजवान बहुत इहदे उत्ते जज्बाती सन और सिंध च कराची च खास तौर पर तुसीं इह जानदे हो कि लापता अफराद के हवाले नाल भी एहतजाजी मुजाहरे जारी ने और उहदे च प्रैस क्लब के बाहर भी मुजाहरे होंदे रहे और इस दौरान असीं इह वेख्या कि जदों कराची आर्ट्स कौंसल की इंतजामिया ने उन्हां नूं सिंधी दानिश्वरों ने कहा कि असीं तुहानूं इह सैशन नहीं होण देवांगे, उहदे बाद उन्हां दानिश्वरां ने इंतहाई तदब्बुर का मुजाहरा किया, सूझबूझ का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि कोई फसाद ना हो, कोई एहतजाज ना हो। उन्होंने अपने जज्बाती नौजवानों को समझाया और नाल एक पार्क च इस सैशन मुलतवी कर दिता। उत्थे तकरीर हुई, उत्थे इजहारे जगजेती होया और इस गल ते अफसोस का इजहार किया गया कि आर्ट्स कौंसल ए पार्टी क्यों बनी। आर्ट्स कौंसल ने सिंधिया की आवाज दबाने च, बलोचा की आवाज दबाने च अपना किरदार क्यों अदा किया। बलोच आवाम जिस महरूमी का शिकार ने उहदे विच सिंध दे नाल मिल के वह हमेशा आवाज बुलंद करते हैं और कराची का जो जिक्र करो और मकरान का जिक्र करो तो फिर एक ताल्लुक बनता है बलोच तहरीक का कराची के नाल भी। सोचना यह है और जरूरत इस गल की है और पंजाब के दोस्तों भी, पंजाबी बोलने वाले भी ये साथ देना चाहिए है, महरूमी खत्म करनी चाहिए है कि जो लोग बलोचा इस्तेहसाल का शिकार करना चाहते हैं, जिहड़े लोग नफरत तकसीम करना चाहते हैं, कम अज कम अदबी मेलिया के दौरान ऐसी कोई गल नहीं होनी चाहिए। सिंधी होन, बलोची होन, पठान होन, उर्दू बोलन वाले होन, सराइकी होन, हजारा वाले होन, सब एकमुट होकर पाकिस्तान नू एक अमन पसंद मुल्क बनावा।